के मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है, 1951 में 12% था। 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 24.68 था, झूठे हैं वो। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियां बोल के डिस्क्रिमिनेट करते, आसाम के बाहर गए तो पूरे मुसलमान डिस्क्रिमिनेट करते। इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। देखिए, बदलते डेमोग्राफी, मेरे लिए, मैं आसाम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं आसाम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है, 1951 में 12% था, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते, टॉप 5 झूठों में। और उनकी झूठ यह है कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 24.68 था, झूठे हैं वो। और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियां बोल के डिस्क्रिमिनेट करते, आसाम के बाहर गए तो पूरे मुसलमान डिस्क्रिमिनेट करते। झूठ क्यों है बोल रहा हूं मैं आपको। 1951 में आसाम था, उसमें नागालैंड नहीं था, मिजोरम नहीं था, आपके अरुणाचल नहीं था, मेघालय नहीं था, राइट। अब ये अलग स्टेट बन, जब बन गए तो उस वक्त 51 में 24.68 मुस्लिम पॉपुलेशन था, 2001 में 30.92 था और 2011 सेंसस में 34.22 था। इतना झूठ बोल रहे, और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं।